नमस्कार बच्चों बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। विच वन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो वी हैव सीन हाउ जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड द सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अबाउट दैट वी हैव स्टडीड, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो, एंड देन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाउ दीज बोथ आर वर्किंग। हाई कोर्ट, हाउ दीज बोथ आर वर्किंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट मीन्स क्या हुआ? सबसे बड़ा जो कोर्ट हुआ, इट मीन्स इसके डिसीजन जो हैं दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। वॉट एवर डिसीजन्स आर गोइंग टू टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी अ बाइंडिंग फॉर द ऑल कोर्ट्स। मतलब सारे कोर्ट्स को जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है दैट दे नीड टू टेक मैनर, देन इट कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब क्या क्या कर सकता है? हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने का काम दैट कुड बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कैन मूव केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। अब उनको लगता है कोई ऐसा केस है दैट शुड बी टेकन केयर इन मोर केयरफुल वे और मोर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड, सो अकॉर्डिंग टू हिज ओन थिंकिंग दे कैन मूव द केसेस फ्रॉम एनी अदर कोर्ट टू इट्सेल्फ। बाकी किसी कोर्ट से उनको अपने पास में ले लेना, दैट इट कैन डू, देन कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब एक हाई कोर्ट से उस केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इट मीन्स इफ दे आर फाइंडिंग द मैटर इज कंसर्न विद द अदर हाई कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट से कंसर्न करने वाला मैटर है, देन इट कैन ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये हमने अभी क्या बात करी? ये बात हमने करी है अभी सुप्रीम कोर्ट की। क्या कर रहा है ये? द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स। मतलब इसके डिसीजन जो हैं वो सभी मानते हैं। कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करना। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इट्सेल्फ, किसी और कोर्ट से केस को अपने पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ले आना। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जो है केस को ट्रांसफर कर देना। सो दीज आर द ब्रॉड थिंग्स जिसको हमने भी बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा कि मेन चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल, इट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री जहाँ से हमें न्याय मिलेगा। बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट जुडिशरी, सो जुडिशरी का सुप्रीम पार्ट क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया, जहाँ से वी विल गेट द जस्टिस। फिर आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हेयर्स अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो अपील्स हैं, लोअर कोर्ट की अपील्स हैं, उन अपीलों को सुनता है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट, दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट क्या कर रहा है? हाई कोर्ट हियर्स द अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से उन अपीलों को सुन रहा है। कैन इशू रिट्स टू रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स, रिट जारी करना, रिट्स को इशू करना, क्या करने के लिए? रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स, इफ दे आर फाइंडिंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गोइंग टू बी डन इन द प्रॉपर वे और यूज बाय द पीपल इन द प्रॉपर वे, एट दैट टाइम दे कैन इशू एनी रिट। कौन कर सकता है?
हाई कोर्ट कर सकता है. पहला काम क्या कर रहा है वो, हेयर द अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड कैन इशू द रिट्स टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट कैन डील विद द केसेस विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स. स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन के सारे जो मैटर होते हैं दैट विल बी डेल्ट बाय द हाई कोर्ट. इट मीन्स स्टेट के सारे मामलों पे जजमेंट देना, वहाँ के इश्यूज को रिजॉल्व करना, दैट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट एज इट कैन डील विद द केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, एक्साइज कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ओवर इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अब इसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उन्हें सुपरवाइज करना एंड टू कंट्रोल दैम, दैट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट. हाउ इट्स गोइंग टू डन, इट इज एक्साइजिंग द कंट्रोल एंड इट इज गोइंग टू सुपरिटेंडेंट ओवर इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. बाकी कोर्ट्स को ऑब्जर्व करना एंड टू सी द फंक्शनिंग ऑफ दिस कोर्ट्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट. सो व्हाट्स गोइंग इट्स डूइंग, एक्साइज कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ओवर इनटू द ओवर इट्स सबऑर्डिनेट केस, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करना एंड उनको पे कंट्रोल करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट. सो इन सच अ मैनर व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. एंड हियर what we have discussed about the functioning of Supreme Court, how it is called the highest court of the country and how it's going to be function. As in the previous part we have seen, judges are appointed by the president and the chief justice is the head of the court. It is having 25 other judges and how it's working, the decision of Supreme Court are binding to all. It means whatever decisions are going to be taken by the Supreme Court, it should be followed by the all, because it is the supreme bench of the judiciary. The next one, what it can do, it can transfer judges. As we have discussed ki judges ko transfer karna, that it can do. The next one, can move cases from any court to itself. If it finds the particular case is having some importance, then they can move the particular case to itself. Unhe agar lagta hai ki koi bhi aisa case hai jo bahut important hai, then it can move the particular case to its own jurisdiction, can transfer cases from one high court to another. If it finds the particular high court is not able to judge or the particular case is going to be should be judged by the other high court, to un cases ko dusre high court mein bhi move kar sakta hai. Then these were the things about Supreme Court. फिर हमने पढ़ा कि वॉट हाई कोर्ट इज डूइंग, हाई कोर्ट इज हेयर्स द अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट. इफ लोअर कोर्ट्स आर अपीलिंग इन द हाई कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू हेयर अबाउट द अपील्स ऑफ लोअर कोर्ट. दैन इट कैन इश्यू रिट्स टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स. इफ इट्स फाइंडिंग दैट फंडामेंटल राइट्स आर गोइंग टू बी वॉयलेटेड, अगर ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट हो रहे हैं, देन इट्स कैन इशू रिट्स टू रिस्टोर, उनको रिस्टोर करने के लिए रिट्स को इशू कर सकते हैं. एंड कैन डील विद द केसेस विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ केसेस इज गोइंग टू डील, दैट द केसेस व्हिच आर रिजाइडिंग इन द स्टेट्स पार्ट. द नेक्स्ट वन, एक्साइज कंट्रोल ऑन सुपरिटेंडेंस एंड सुपरिटेंडेंस ओवर इट्स सब ऑडिट कोर्ट्स, अपने सब ऑडिट कोर्ट्स को कंट्रोल करना एंड उसको सुपरवाइज करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट. So today we have seen the main points of the functioning of the High Court and the Supreme Court. Further in the next topic we will see the appointment of the judges and the eligibility for the same. Functioning we will see in a more detailed way. And as we have seen the jurisdiction of the Supreme Court, we will just understand about the details of the jurisdiction. Ki what sort of points are covered in the jurisdiction of the Supreme Court. So things will be more clear. आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें, whatever we have studied, you need to revise that. But still I will say the same line, that don't forget to read from NCERT, because question can come in any form from anywhere. In the group I have sent also, again I will send the links for the CBSE My Guide, in which you will find the notes along with the question answers. So you can have the idea what are the main points of the topic
and along with that you can find the question answers. You will get the idea of what sort of questions can be asked from the chapter. So chapter is very important. Do revise the topic and do read from the NCERT, and whatever particular part work is given to you, you need to note down in your notebook, so you will have the good work for the revision. आप उसको revise कर पाएंगे, notes को पढ़ पाएंगे. तो जो भी class में हम study कर रहे हैं और जब हमारा live discussion होगा, then again we will discuss in the same points. हम उन same points को discuss करेंगे. Meanwhile, do read the newspaper. If you find something regarding legislature, executive or judiciary, you need to note it down, because when you are going to write your answer, आपका answer unique कब बनता है? जब उसको quote करते हैं आप present examples से. So if you find some examples from the newspaper, do note it down, and you need to just correlate the particular terms to your answers if you are finding that is suitable. आपको लगता है कोई ऐसा part जो आपके answer का part बन सकता है, आप उसको notify कर सकते हैं. So this is the thing which makes your answer relevant. आपके answer को creative बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं. जो toppers बच्चे होते हैं, what they do? They make their answer presentable. एक प्रेजेंटेबल वे में, एंड दे आर जस्ट पुटिंग समथिंग विच आर नॉट इन द बुक. जो चीज़ें नहीं है, रेलेवेंट है, आप उनको नोट डाउन करें, उन्हें आप अंडरलाइन करें. सो इन सच अ मैनर योर आंसर विल बी यूनिक एंड डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स. सो डू रिपीट द टॉपिक, डू रिवाइज द टॉपिक, रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क. थैंक यू सो मच.